नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पद्म भूषण श्री देवेंद्र राज मेहता जी, जिन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की स्थापना की, जो आज दुनिया भर में 75% जरूरतमंद लोगों के लिए सभी कृत्रिम अंग लगाने का काम करती है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। महोदय, इस साक्षात्कार के दो स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला, इस तरह के नेक प्रयास के पीछे व्यक्ति के हृदय में झांकना, और दूसरा, महान कार्य करने के लिए लोगों के दिलों और दिमागों में 1000 दीपक जलाने, जिससे वो प्रेरित हो। तो सर, मैं आपसे अब प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न ये है सर, जैसे जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेलगाड़ी से बाहर धकेला गया तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, उसी तरह जब श्री डी आर मेहता जी को एक दुर्घटना की चपेट में आए तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो दुनिया में हर व्यक्ति को जयपुर कृत्रिम अंग प्रदान करेंगे, वो भी बिना किसी पैसे के और पूरी गरिमा के साथ। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की विचार प्रक्रिया के लिए किस तरह का व्यक्ति बनने की जरूरत होती है? देखिए, हर व्यक्ति में करुणा का भाव होता है, वो जगा हुआ नहीं होता, नहीं हो सकता, जागृत नहीं। कुछ ऐसी घटना हो जाती है, उस वक्त ये बढ़कर आ जाता है सामने। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर से कहा मैं बचूंगा नहीं, क्या भयंकर एक्सीडेंट था, रोड एक्सीडेंट था, बच गया। मैं तो उसी दिन चला जाता, भगवान की कृपा थी, बच गया। मेरे लिए तो सेकंड लीव ऑफ लाइफ, अस्पताल में रहा 5 महीने। पहले डॉक्टर्स का ये मत था कि पैर काटना पड़े, किसी तरह बचा लिया। मर भी जाता, पैर भी गिर जाता, जिंदा रहता था, भगवान ने दोनों बचा लिया। यातना पूरी दी, 5 महीने अस्पताल में रहा। उस वक्त ही ख्याल आया कि मेरा पैर कट जाता, सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती, खर्चे में सरकारी सेवा में था, ड्राइवर का पैर कटता तो किसी रागीर का पैर कटता तो बहुत कम सुविधाएं थी पैर बनाने, पैसे भी लगते थे, वो कहाँ जाएगा। उस वक्त महात्मा गांधी को पढ़ा, महावीर को पढ़ा। महात्मा गांधी का एक भजन है, वैष्णव जन तो कहने कही है तीर पर आई जाने, दूसरों की तीर नहीं समझो इंसान का, तीर बात उन्होंने कही। महावीर ने भी ऐसा ही कहा। तो एक डॉक्टर एल्बर्ट साइजर थे, बहुत बड़े सोशल वर्कर, नोबेल प्राइज मिला था उनको, मेरे लिए बहुत बड़े हीरो है वो भी, क्योंकि एक उनका एक वाक्य है, मैं 1000 बार दोहरा चुका हूँ अलग अलग बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, जो ये काम के शुरुआती दिन थे वो कैसे थे? इस संगठन की शुरुआत करने में आपने संकल्प कैसे लिया? तो आपने बताया कि आपको रियलाइज हुआ कि आपके साथ जो गरीब लोग हैं उनको कैसा हुआ, तो शुरू शुरू में आपको शक्ति कहाँ से मिलती थी ये काम करने के लिए? नहीं, मैं तो देखे थे ना, अस्पताल में था तो लोगों के पैर कटे हुए लोगों को देखा, उनकी गरीबी देखी। पैर किसका कटता है? सोल्जर का कटता है, जनरल का नहीं कटता, रेहड़ी भी कट जाता है, मजदूर है उसका कटता है, खेत पे काम करे सांप काट गया उसका कटता है। बिल्कुल, ज्यादातर ये लोग गरीब, और पैर कटने के बाद और ज्यादा गरीब हो गए। हमने लिखा था ड्राइवर है, पैर कट गया क्या करेगा, खाने के लिए मोहताज हो जाए। तो पहले दिन से ये निर्णय लिया हमारे कमेटी में, कमेटी बनाई जिसका कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, दानदाता थे, डॉक्टर्स थे, बातों को बनाई, सब तरह के विचार आए, सब तरह के सुझाव मिले।
पहले दिन से तय किया कि हम पी करेंगे। उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छा विचार है, एक भावना है, पर बाढ़ आ जाएगी मरीजों में तो वापस भेजोगे लोगों को, बंद करोगे संस्था, एक साल आ गया चंदा नहीं आया अगले साल पे, अभी भगवान पर भरोसा रखो, गरीब की मदद करो, मुफ्त करो, शायद भगवान हमें चलाते ही रहेगा, बताएगा गिराएगा नहीं। शुरू किया पहले साल 59 लिम्स आ रही थी, पिछले साल लिम्स की अकेले की बात करें आप तो करीब 31,000 लिम्स दे दिया, 5,000 लिम्स बाहर, 36,000 लिम्स आ रहे हैं। आप विश्वास करो इंटरनेशनल रेड क्रॉस बेंचमार्क पर सबसे पुरानी संस्थाओं में है, सबसे मशहूर संस्थाओं में है, सम्मानित संस्थाओं में है, वो 14 कंट्रीज में काम करती है, शुरुआती करो स्पेशल फंड फॉर डिसेबल्ड हेल्थ का। आपको आश्चर्य होगा 14 कंट्रीज में मिलकर 4,800 में लगाए, हमने 2019 में लगाया 36,000 कर, उससे साथ गुने बढ़े, तो क्यूमुलेटिव फिगर भी ले लो आप, इंडिविजुअल का ले लो, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद ही कोई दुनिया में 2030 साल में बना, दुनिया में हिंदुस्तान छोड़िए, इतना व्यापक काम हो गया, इसलिए हो गया कि आप गरीब की मदद करो, गरीब को फ्री करो, लोग आपकी मदद करेंगे। आपसे कहा करुणा का भाव है, मदद का भाव है, वो सोया हुआ हो सकता है, सुप्त हो सकता है, तो जब देखते हैं और हम बड़ा कोई धंधा भी नहीं देते जब तक व्यक्ति आके देख लिए, चेक लिख दें बहुत अच्छी बात है, तो बड़ी मदद है, उसके साथ देख ले मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़ जाता है, वो अलग होता ही नहीं है, भगवान की कृपा है। तो सर भगवान से याद आया कि आपने इस संगठन का नाम पूज्य जैन तीर्थांकर महावीर जी के नाम पर रखा है, लेकिन आपका संगठन तो कोई धर्म नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता, कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं देखता, सभी मनुष्य को बराबर सेवा करता है, क्या आप धार्मिक हैं और आपने भगवान महावीर जी का नाम क्यों चुना था? उस साल में महावीर निर्वाण वर्ष था, एक मैंने आपसे कहा महावीर से बहुत प्रभावित हूँ, करुणा अनुकंपा वात्सल्य प्रेम, महावीर क्या कहते थे, सब आत्माएं बराबर, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन जैन कौन क्रिश्चियन, कोई तकलीफ वाला है, इंसानियत का काम है ये, मानवीयता का काम है, वहां भेदभाव हुआ तो एक तो सांप्रदायिकता हुई, सेवा का हुई, और हमने ये दिखाने के लिए कि लोगों को आते ही पता लग जाएगा कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारी गैलरी हॉल में उसमें महावीर है, उसमें महात्मा गांधी है, उनका चित्र बने हुए सबके, गुरु नानक साहब है, भगवान बुद्ध है, सीताराम है, राधा कृष्ण है, शंकर है, हनुमान है, सरस्वती है, क्राइस्ट है, और मोहम्मद साहब की फोटो नहीं लगा सकते, व्यक्ति मक्का की फोटो एक मुसलमान से क्या कह बोले भाई, ऐसी गैलरी शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिले, पाकिस्तान गया मैं कैंप किए, सबसे रेस्पेक्टेड इंडियन प्रोटेक्टर जो पाकिस्तान में है कोई, जब कराची में सेंटर है पार्टनर से टेक्निकल 10 साल बाद सेंटर खोल दिया, तो जॉइंट वेंचर है हमारा, टेक्नोलॉजी हमारी, बाकी खर्चा होगा 25,000 रुपये लगा दिए
हमारी शर्त होती है कि आप भी लगाओ मुहूर्त लगाओगे तब मेहमान। इतनी इज्जत हुई मेरी, आप आश्चर्य करेंगे मुझे 30 मिनट का वीजा मिला पाकिस्तान का, बगैर हाई कमीशन गए वो 30 मिनट में। वहां की इतनी खातरी हुई अल्लाह जी, वहां पूछा मुझे आपने कितने मुसलमानों की मदद की, अरे मैंने कहा भैया ऐसे सवाल नहीं पूछा करते, पब्लिक की तो मत पूछो, मैं नहीं सब बताना पड़ेगा। मैंने कहा देखो हमारे थोड़े कम हुए थे, करीब 18 लाख लोग पैर करी, पर अब तो 19,85,000 हो गए। मैंने कहा भाई 18 लाख में से 4 लाख मुसलमान है, तो बड़ा असर पड़ा, अच्छा सा कब रखा मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछू, मैंने कहा था आपसे मैं दो सवाल करूंगा करो, आप मुसलमान हो, थोड़े नाराज मेरे हिसाब से शुभ गया, पूछा बताओ मुसलमान आप बताओ मुझे आपने कितने मुसलमानों की मदद। हम अजमेर में दरगाह के आगे कैंप किए, कहीं मैं चाहता हूँ कि गुरु साहब गुरुद्वारा अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है बात भी चली, आप अंदर तो नहीं कर सकते, रामदास सराय में कर लो, जैन मंदिरों के आगे किए, हिंदू मंदिरों के आगे किए, सबको आप आमंत्रित करते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं किया, कैसे कर सकते हो आप, तो बंद करो संस्था, तो सांप्रदायिकता है तो जैनों का करो। आपको आश्चर्य होगा मैं अगर आपको कहूँ तो अब तक करीब करीब 20 लाख लोग हो गए, 19,85,000 जो टोटल लोग है, पैर कैलिपर पैर तो 6.5 लाख, कैलिपर 4.5 लाख, व्हील चेयर फ्लाई जैक पैडल साइकिल क्रचे डेलीगेट भी शुरू करीब 20 लाख लोग खुले वाले। उसमें से जैन जो है 200 भी नहीं, महावीर का काम करें ना, ये उन्होंने थोड़ी कहा जैनों को मदद करो, तो इंसानियत का काम मैंने आपसे कहा, बाकी सब करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसे आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग किया, तो क्या ये आपका दिमाग था, क्या आपके व्यक्तिगत रूप में भी स्टैनफोर्ड जयपुर फुट के विकास में शामिल थे, जिसको टाइम्स पत्रिका ने 2009 में 50 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों के रूप में घोषित किया, तो आपका उसमें क्या रोल था, आपने उसमें डायरेक्टली काम किया, कैसे काम किया? देखिए हमारी इच्छा ये है कि गरीब को कोई चीज दो, मुफ्त तो दो ही, कुछ संदेह है ही नहीं, अच्छी भी दो। मेरा विश्वास है जब तक विज्ञान का सहारा नहीं है, सच तो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़े, तो तब से बाद आपकी कोई वक्त नहीं ले जाएगी। मैं गया वहां, मुझे कोई लेक्चर के लिए बुलाया, मुझे एक अंग्रेज किया, मैं एक अमेरिकन यहाँ ठहरा दिया, वो उस टाइम पर थे पीएचडी किए, वो तो बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, वहां उन्होंने फिल्म देखी, मुझे 20 लोगों से मिला, फिर कहा कि स्टैनफोर्ड चलो, मुझे मैं जानता नहीं किसी, मैं तो वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, पीएचडी की है, और मेरा वहां दिखाया तो दंग रह गए, इतना बढ़िया पैर है, घुटने के नीचे पैर बहुत बढ़िया है, घुटने के ऊपर वही ज्वाइंट हमारा अच्छा नहीं है, सारी दुनिया में समझ शायद नहीं जाए, बहुत महंगे और अच्छे भी थे, महंगे होने के बाद भी अच्छे भी, तो एक बार फिर जाना पड़ गया वहां, अवार्ड मिला, इस बार वो वाइस डीन है वहां के, बहुत बड़ी हस्ती है, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक मीटिंग ह्यूमन साइंस, तो आप आश्चर्य करेंगे इनिशिएटिव उनकी तरफ से आया, हम तो चाहते ही थे, फिर मैंने हमसे कहा कि साहब क्या करें, पहले कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट, उनका ये नी वाला ले लो, मेरे पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड है,
सिटी बैंक के नंबर टू या नंबर थ्री आदमियों में पैर कटा हुआ है, उनको भी तकलीफ। मैंने पूछा कितने वियतनाम से आप कितने रुपए दिए? डॉलर दिए $70,000। $45,000 रुपए। फिर भी मैंने कहा अमेरिका में पैर लगे फिर भी अच्छे नहीं, इतने पैसे लिए फिर भी अच्छे नहीं, तो आप ऐसा बनाओ दे तो अच्छा हो, सस्ता भी। मेरा फोकस है फ्रूगल इंजीनियरिंग। बिल्कुल सर, तो जैसे स्टैनफोर्ड है उसके अलावा आश्चर्य करे, हमारे यहाँ आए 14-12 के लोग आए, हमारे डॉक्टर्स का बहुत इंटरेक्शन हुआ, मेजर इंजीनियरिंग वर्क उन्होंने किया, हमारे भी काफी इनपुट था। 2009 में बन गया, सबसे पहले कैलिफोर्निया टाइम्स में, लॉस एंजलिस टाइम्स में पूरा एक आधा पेज आ गया, आधा पेज आ गया। फिर टाइम मैगजीन आ गया, टाइम मैगजीन यूएसए की लिखे $20 नहीं, अमेरिका में कॉस्ट है इसकी कंपेरेबल $10,000, हमारे $20, 500 गुलाम सस्ते हैं। और दुनिया के 50-10 इन्वेंशन में 2000 के उसमें हिंदुस्तान का आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं उसमें। फिर हमने हमारे लोगों ने इन हाउस स्टेप भी चेक किए और फर्दर इम्प्रूवमेंट कर दिए, 7 चेंजेस कर दिए। आज मैं समझता हूँ कि $10, $20 कीमत वो भी हमारी, मरीज को एक पैसा नहीं देना पड़ता। और 20,000 से ज्यादा लोग पहले के साथ, फिर उन्होंने सुना MIT वालों ने, MIT के प्रोफेसर है, मैं जानता भी नहीं, उनका हम आपके साथ हाथ मिटाना चाहते हैं। तो मैंने जो बहुत MIT दुनिया की गया कुछ अच्छे पहले पूछा कितने ग्लोबल मिनट हैं, उस वक्त सीट है एक हिंदुस्तान में आठ हैं, उनका के 3 प्रोजेक्ट उनके साथ चल रहे हैं, MIT टेम्पर संता क्लारा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा हाथ का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया में कई इंस्टीट्यूशन के साथ चल रहा है, इनाउ रिसर्च है, मटीरियल इम्प्रूवमेंट हो, डिजाइन में इम्प्रूवमेंट हो, नया प्रोजेक्ट बने, सब तरह का आइडियाज हमारे यहाँ बैठ चुके। तो सर जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे आपकी संस्था पे केस स्टडी के रूप में पढ़ाते हैं, क्योंकि संगठन बहुत सिर्फ 3% ओवरहेड पे काम करता है तो बहुत ज्यादा प्रशंसा है। तो सर ये बताइए कि इस 3% ओवरहेड में इतने अच्छे तरीके से काम होने के क्या राज है? देखिए हमारा मानना ये है, आपने जैसे चंदा दिया मुझे, मेरा पैसा मैं कुएं में डाल दूं, आपने मुझे चंदे का पैसा दिया है, मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि आप अंदाज नहीं कर सकते। उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई उससे बड़ा क्या, उससे बड़ी सजा देगा। एक पैसा नहीं, आज आप विश्वास करें तुम तो चाय भी नहीं पी सकते हमारे समिति में, 5 रुपए लगते हैं ना। आपने मुझे जब भी कीमत या पैर की, हमारे खर्चा मरीज को नहीं लगती है, 4,500 रुपया, 5 रुपया निकाल दो, आपने चंदा दिया चोरी है ना, पाप है। मैं तो भगवान में विश्वास करता हूँ, ये भी जानता हूँ भगवान अगर से काम किया सजा भी देगा, माला नहीं पहनाते। आप आश्चर्य करोगे, प्राइम मिनिस्टर हमारे एक फंक्शन में आए मनीला में, 100 रुपए लगते माला के, मैं कैसे निकालू, मैं पर्सन भी दे दू तो लोग समझेंगे समिति का कर दिया, पहनाते ही नहीं। एक तो ये ध्यान रखते हैं कि भाई ये पैसा जो है ट्रस्ट में आए, भगवान को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जितने हमारे ऑफिस बेरर्स हैं सब वॉलंटियर, सारे खर्चे आप टेक्नोलॉजी पे खर्च कर सकते हो, मरीज पे कर सकते हो, उनको पूरी सुविधा दो,
और आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए, एक रुपया आप तक करते हैं, बहुत बचत नहीं होती जाना, और एक मैसेज जाता है पास, मैसेज सब एम्प्लॉय को जाता है, सब टेक्नीशियंस को जाता है। दूसरा जैसे मैं गाड़ी मेरा खर्चा पिछले साल 25 करोड़ का था, इतनी कम हिम्मत कर एक बार सी के प्रहलाद जैसे मैनेजमेंट गुरु वो कहते थे कि आपका अमेरिकन टर्म्स में है आपका काम जो है 600 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, 4,500 करोड़। मैंने 35 करोड़ कीमत कम है अमेरिका में, आप जो था एक पैर की कीमत है $10,000, हमारी कीमत है $70। तो ये इतनी कम कॉस्ट होने के बाद भी हम कोशिश कर उसमें कितना बचत होगी, मैसेज ऐसा जाता है बिल्कुल फालतू कर जाए, क्या दिखाना है, कभी जगह मार्बल लगाना है क्या, एसी लगाना है क्या, कि आप काम करने आए हो यार, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम, खर्चा बहुत कम रखा। तो सर जैसे आपने बोला कि आप बहुत सारे इंसेंटिव देते हैं, काम बढ़ जाता है, आप समझिए हमारा सामान्यतः एक दिन में एक पैर बन जाता है, सामान्यतः दुनिया में कई हफ्ते लगते हैं एक पैर देने, कई हफ्ते कई बार गुजरते हैं, मैं एक बार आया सुबह आया नाप दिया बोर्ड पर आया सॉकेट बनाया पीस जो जुड़ा उसके साथ रवाना किया, मरीज ही रहते आए तो एक दिन सुबह खाना खिला दिया शाम को खाना खिला दिया चले गए, तो खाना पहना सब मुफ्त है, हमारे पैर मुफ्त रहना खाना सब मुफ्त, रहते कम है खर्चा कम है। बिल्कुल सर। सर जैसे आप बहुत उच्च पद में थे भारत सरकार में, आप सेबी के चेयरमैन भी थे, आप आरबीआई में भी थे, तो सर मेरे पास 2010 का आंकड़ा है जब भारत में 50,000 सिविल सेवक थे, इन सभी में वे शक्ति यू नो अभी भी है जो आपके पास थी और आज भी है, लेकिन हम आज बहुत कम डीआर मेहता देखते हैं, जितने डीआर मेहता होने चाहिए सरकार से उतने डीआर मेहता नहीं होते, तो इसका क्या रीजन है सर? देखिए ऐसा है कि कई लोग हैं अच्छा काम कर, जानकारी नहीं है, मैं नहीं कहता, मैं जानता हूँ कई लोग और अच्छा काम करते हैं, देखिए तो मन की बात है, और सिविल सर्विस में सामान्यतः जिस तरह की ट्रेनिंग मिलती है जिस तरह का काम है उसमें अगर भावना है भी तो मर जाती है, खेत की बात है, स्पष्ट यह है कि सबको जाना है क्या चलेगा सर, ये रियलाइज भी करते हैं, वीडियो बहुत आते हैं कोविड में, वीडियो आ गया छोटा सा जरा तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाओ, BMW में बैठ जाओ, मर्सिडीज में बैठ जाओ, जब जाओगे यहां से मास्क की अच्छी बजाओ आखिरी यात्रा वो, जब ये भाव आ जाए मन में क्या चलना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने आजादी देखी है, आपने विभाजन देखा है, आपने कई सरकारें आती जाती देखी हैं, जिस तरह भारत ने खुद को एक देश के रूप में आकार दिया है, क्या आप उससे खुश हैं? अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए क्या भारत पर्याप्त प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है? देखिए समस्याएं हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार के समर्थन की वजह से काम कर रहे हैं, आनंद आता है इसके काम,
क्या मदद दे नहीं दे। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं कैसे चलोगे, तो मैंने कहा 46 साल हो गए तो बंद नहीं हुए, 2 साल तक बंद, मैं तो चला जाऊंगा 2 साल, ये तब भी बंद नहीं हुआ कि जब तक गरीब की मदद करोगे, अच्छी भावना से करोगे, निःशुल्क करोगे, दुनिया से मदद मिलेगी। मेरे पास आप चल रहा था, पता नहीं कहाँ चला था, आप आश्चर्य करेंगे कुछ रोगी ने जो 2 रुपए दान थे, दिन भर की उसकी कमाई थी, एक ब्रिटिश चैरिटी है वॉलेंटरी फाउंडेशन, उसने 1 बिलियन पाउंड 108 करोड़ 32 लाख रुपया दे दिया। अजीम प्रेम जी, मैंने बताया उनको, उनके ट्रस्ट को, उनके लोग आए, देखा, अप्लाई करो, जांच की, तंग रह जाओगे कितना लोन दे, रिजल्ट 10 साल का एग्रीमेंट हो, बाबी का नाम ऐसे देखे गेंद नाम है, राम सबका है, उनका नाम मुसलमान नाम है, और सबसे ज्यादा मदद वो कर रहा था बैंक, राउटे बैंक, नमूरा बैंक, जापानी बैंक, जर्मन बैंक, इंडियन बैंक, छोटे डोनेशन, 1000 से 1000 डोनेशन ऑनलाइन आते, उनको लोगों को भरोसा होना चाहिए कि संस्था सही काम कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है। लोग देखते हैं मैनेजमेंट के लोग हैं उनका क्या व्यवहार, वो तो कोई फायदा नहीं उठा, बिल्कुल सर, भरोसा होता पाता, बिल्कुल भरोसा हो गया तो कभी नहीं पाता। बिल्कुल सर, सर आप भविष्य में संगठन के सरकार दे मदद, अच्छी बात है, नहीं दे कोई बात नहीं, तो भगवान तो है, सरकार से बड़ा कौन है, भगवान सर, भगवान है, बिल्कुल। तो सर आपका आपका भविष्य में संगठन के विकास की कामना कैसे करते हैं, संगठन के विकास के लिए आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आप संगठन के लिए स्वेच्छा में काम करने वाले लोगों को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? ये तो अभी तत्काल इच्छा ये है कि अभी कई साल तो कम है कोविड की वजह से, 2019 में हमारे 90,000 के आसपास आ गए थे, आधे से ज्यादा जयपुर में आए, क्योंकि हमारे सेंटर से अलग अलग गए, श्रीनगर में सेंटर है, गुलाम भी हमने मुस्लिम रखा, अम्बाला में है, केरल में है, असम में है, गुजरात में है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सब में मिला के पर आधे से ज्यादा काम जयपुर में होता है, कैंप करते हैं आउटरीच कैंप्स, जो लोग आ नहीं सकते उनको मदद मिल जाए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 4-5 स्टेट्स है जिनमें हमारे सेंटर नहीं है, जैसे आज छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, पंजाब और हरियाणा एक समझते हैं सेवानी पूरा, 4-5 राज्य रह गए तो वहां सेंटर खोल, सब सेंटर खोल, और दूसरा ये जो कैंप भी बहुत बड़ा है, खासतौर से ऐसे एरिया जो डिफिकल्ट है, जैसे बड़ी आश्चर्यजनक बातें सुनेंगे आप, मैं तो खुद ही दंग रह जाता हूँ कि सेवा का क्या प्रभाव है। सिरोली में कैंप किया, अभी आपने पढ़ा होगा, कल परसों खबर आई 13 आदमी मार दिए, उस स्थान पे हमारे 4 कैंप हो चुके हैं, हमारे मैनेजर हैं दास जी, मैंने कहा भाई आपकी मानना चाहता हूँ, वो साहब 3 दिन का प्रोग्राम होना चाहिए आपका, मैंने कहा उतना नहीं है, अगली बार आऊंगा, मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं होती वहां जाते हो, नक्सल एरिया हो तो खतरनाक एरिया, सब तकलीफ, नक्सल लीडर चाह के हमसे पूछते कोई तकलीफ तो नहीं है, यह है सेवा व्यवस्था। मैं चाहता हूँ कि नक्सल एरिया में बहुत अच्छा है, दांते वाला सुखराम में क्या गढ़चिरौली में अपनी करना है, तय कर दिया था, और जो देश रुक गया कि मैं जाऊंगा वहां चाह के रुकूंगा, हमारे लोग चुप जाते हैं। कश्मीर में सरकार को लिखा,
मैं श्रीनगर में और कुपवाड़ा में कैंप कर रहा था। अब से कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे रोको मत, कोई आपसे पैसा नहीं मांगता, मैं मदद कर देंगे लोग, मुझे मिलिट्री की जरूरत थी, मुझे पुलिस की जरूरत थी, गवर्नमेंट की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं, मैं आप रोक रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ जवाब आ जाएगा। कुपवाड़ा में कैंप किया मैंने, सबसे खतरनाक जगह है, अब अच्छे भी गए, कितना स्वागत किया हमारा, ये दिल जोड़ने वाली बात है, सेतु है ये, ये चाहता हूँ कि ऐसे एरिया में काम करें, संख्या हमारी 90,000 है, उसको कम से कम भी तत्काल 1,00,000 तक पहुंचाए, राज्य और बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी में फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है वो करें। मैनेजमेंट में जनरल लीडरशिप डेवलप हो, आप जो गए बहुत यंग नहीं है, मेरे सर बहुत यंग है बट आपसे यंग नहीं है, जनरल लीडरशिप डेवलप हो, टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो, सोशल वर्क बढ़े, मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट हो, इस तरह के 3-4 विचार हैं। तो हम इसमें बिलीव नहीं करते कि ये बिग बैंग अप्रोच इंक्रीमेंटल जो मैनेजमेंट की थ्योरी है, काइज़न थ्योरी, इंक्रीमेंटल चेंजेस हो, इसी तरह हम आगे बढ़े, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो कोई आदमी वो तो है हमारा गाई मोबिलिटी दिखी थी, वो तो जो बार बार हम दोहराते हैं, जयपुर फोर्ट दैट ऑल मे वॉक, जयपुर फोर्ट दैट ऑल मे वॉक, ये उद्देश्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो आप इतना उम्दा कार्य कर रहे हैं जिसमें इतने सारे लोग पूरे विश्व भर में आपके काम बात कहना चाहूंगा, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मैं सब कार्यकर्ता हूँ, मैं कहूँ मैंने किया, दूसरा एक बड़े जबरदस्त सोशल वर्कर आए मेरे पास, एक उनका याद रखो देने वाले को देने वाले से ज्यादा मिलता है, तो फिर खुश हुआ मैं देने वाला हूँ, बिचौलिए हो ठीक है, बिचौलिया ऐसा बिचौलिया होना भी अच्छा है, बिचौलिया से आगे ये भय मत करा मैं ये किया, ये काम भगवान का काम है, ज्ञान अपॉर्चुनिटी मिली हमें, अवसर मिला, ये अवसर देना भी बहुत मिला भी बड़ी बात है, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल सर, तो ऐसा काम करने को सौभाग्य समझना और इसको भगवान का काम मानना और ये सुनहरी लव्स आपके की जो देने वाला है उसको लेने वाले से ज्यादा मिलता है, बहुत 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 प्रेरित है, हम सबको प्रेरणा देते हैं। तो सर, जो दर्शक हैं उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव हो, मानवता करो, बड़ी संस्था हो, एक आदमी की मदद करो, एक गरीब बच्चे को पढ़ाओ, एक हॉस्पिटल में किसी को खाना दे दो, इसमें मुख्य बात भाव है, संख्या नहीं है, बाकी शायद संख्या हो गई ठीक है, मुख्य बात है भाव, मानव हो मानव उठा करो बड़ा करो करो कला जागो करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, ये थे हमारे साथ एक बहुत महान विचार रखने वाले जिन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाया और वो कितने सारे लोग हैं जिनकी डेली बेसिस पे सहायता करते हैं और उनको जयपुर फुट लगाते हैं। तो सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद और हम आपके इस
मैसेज से, आपके संदेश से बहुत ज्यादा प्रेरित है। धन्यवाद सर।